नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज के फॉलो अप में हम जिक्र करेंगे अवध यानी पूर्वांचल और राजधानी लखनऊ से सटे उन लोकसभा सीटों की जिन पर महज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के मशहूर हस्तियों को अपना भाग्य विधाता बनाकर संसद भेजने का काम किया। और अब जबकि चुनावों की रणभेरी बच चुकी है तो ऐसे में इन सीटों से उम्मीदवारी को लेकर ज़्यादातर पार्टियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेठी रायबरेली से भी ज़्यादा हॉट और चर्चित सीट इन दिनों बृजभूषण सिंह की लोकसभा सीट कैसरगंज हो गई है, जिसको लेकर अगर सूत्रों की माने तो देश भर में सट्टे तक लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दो रोचक जानकारियां भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। पहली जानकारी ये निकल कर आई है कि शासन पर चुनाव आयोग के हंटर के प्रहार का श्री गणेश हो गया है, मतलब सत्ता से सटे चहेते अफसरों का बोरिया बिस्तरा बनना शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी और ममता दीदी के चहेते आईपीएस राजीव कुमार, यूपी में सीएम योगी के साथ साई की तरह घूमने वाले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और गृह संजय प्रसाद को इन दोनों ही विभागों से पैदल कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यूपी बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया है। जिन राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। दूसरी खबर सबसे मजेदार भी है और मोदी सर के डिजिटल इंडिया में भी दशकों से सेम ढर्रे से चली आ रही है, वो चाहे आपके और हमारे दौर का जमाना रहा हो या आज का। तो ये खबर कुछ यूं है कि सालों से हम और आप सुनते आए हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की कापियों के जांचने के दौरान हमेशा बड़ी संख्या में ऐसी कापियां सामने आती हैं जिनमें मार्मिक अपील के साथ पास करने की दुहाई दी जाती है। बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में छात्र छात्राओं के मैसेज सुर्खियां बटोर रहे हैं। पास होने के लिए छात्र छात्राओं ने उत्तर पुस्तिकाओं में तरह तरह की बातें लिखी हैं। सख्ती होने की वजह से परीक्षार्थी नकल नहीं कर सके तो गुरु जी को भावुक करने वाली लाइनें लिख रहे हैं। एक छात्रा ने लिखा कि मैं शादी के दिन पेपर देने आई हूँ, अच्छे नंबरों से पास कर देना, ससुराल में मुझे मुँह दिखाना है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की कापी में कई तरह के मैसेज चर्चा का विषय बन रहे हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, प्रत्याशियों का चयन, जातीय समीकरण, हार जीत का गणित, मुद्दों के जरिए मोर्चेबंदी, इन सब का मेल ही चुनावी रंगत बढ़ाता है, मतदाताओं को रोमांचित करता है, रिझाता भी है। अवध के आंगन में सतरंगी नजारे हैं, यहाँ सियाराम की जय जयकार है तो लोकतंत्र के उत्सव में चल रही सहमात की बयार है। लोगों की टकटकी भाजपा सपा कांग्रेस के बकाया उम्मीदवारों पर तो है ही, सबकी नजर गणित बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में माहिर बसपा वालों पर है। कोऑर्डिनेटरों के स्तर सहित कई सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की घोषणा शुरू करवा दी गई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो की ओर से अधिकृत उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। बसपा के उम्मीदवारों से तय होगा कि अवध में किस सीट पर लड़ाई आमने सामने वाली होगी या त्रिकोणीय। सुल्तानपुर में मां मेनका गांधी के टिकट पर बेटा वरुण गांधी पर मगजमारी हो रही है तो कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर कई विधायकों की दावेदारी है। यहां दबंग है, दल बदलू है, परिवारवादी है तो सियासत के मास्टर राजनाथ सिंह और स्मृति जुबिन ईरानी भी है। परिवारवाद के उलाहने हैं, अमृत महोत्सव की खुमारी है, लेकिन कौशल किशोर और रितेश पांडे कई बड़ों पर पड़े भारी हैं। एक दल में होने के बावजूद कीर्तिवर्धन सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच दिल ना मिलने की चर्चा जुबान जुबान पर तारी है तो श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, गोंडा से श्रेया वर्मा और बाराबंकी से तनुज पुनिया अवध की सियासत की होनहार तैयारी है। बाराबंकी में उपेन्द्र सिंह रावत से जुड़े अश्लील वीडियो का शोर है तो वीडियो वायरल कराने के शक में होशियार दावेदार पर उल्टा पड़ा रौब है। रायबरेली, कैसरगंज और सुल्तानपुर के लिए सपा भाजपा कांग्रेस के टिकट में पहले आपका अनकहा जाप है तो भाजपा के लिए सीतापुर से राजेश वर्मा, मिश्रित से अशोक सिंह रावत, अयोध्या से लल्लू सिंह फिर निर्विवाद निकले खास हैं। सपा ने बहराइच में पड़ोसी जिले गोंडा के रमेश गौतम से लड़ाई साधी है तो अयोध्या सामान्य सीट पर दलित समाज के 89 वर्षीय अवधेश प्रसाद उसकी उम्मीदों की आखिरी लाठी हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार अवध के कुछ चर्चित चुनावी समर के योद्धा ही नदारद हैं।
मसलन जिस रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार की पहचान है वहां से अभी कांग्रेस प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है। भाजपा भी बस अमेठी से स्मृति को उतार रायबरेली में मौन साधे कांग्रेस की चाल पर नजर गड़ाए है। कैसरगंज का अखाड़ा भी सूना है। भाजपा की चुप्पी यहाँ के चुनावी समारोह को रोमांचित कर रही है। बृजभूषण का सदा अंदाज कहें या फिर सपा व बसपा की राजनीतिक मजबूरी, दोनों ही मौन हैं। सुल्तानपुर से बस इंडिया ने भीम निषाद को मैदान में उतारा है। चर्चित रायबरेली के रण से चुनावी योद्धा नदारत हैं। चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा या बसपा, कोई भी पार्टी अभी प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। गठबंधन के मुताबिक सपा ने पहले ही कांग्रेस को रायबरेली सीट दे दी है। ऐसे में प्रत्याशी को लेकर उहापोह की स्थिति धीरे धीरे रोमांचकारी मोड़ पर पहुंच गई है। वैसे तो रायबरेली लोकसभा का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। 1952 से हुए अब तक के चुनाव में विपक्षी दलों पर कांग्रेस हमेशा भारी पड़ी है। वर्ष 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने यहाँ की राजनीति संभाली। सोनिया 5 बार सांसद चुनी गई, लेकिन उनके राज्यसभा जाने से गांधी परिवार की विरासत पर असमंजस है। अभी के हालात बदले हैं। सपा के कद्दावर मनोज पांडे भाजपा के साथ हैं। इस सब के बीच प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से चर्चाओं ने अपनी चाल भी बदली है। अब आते हैं एक और चर्चित सीट सुल्तानपुर पर। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर में अपने पत्ते खोल दिए। पार्टी ने अंबेडकर नगर निवासी भीम निषाद को मैदान में उतार दिया। मूल रूप से भीम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट होल्ड किया है। ऐसे में सपा ने भीम निषाद के रूप में मोर्चेबंदी में बाजी मारी है। लेकिन वीआईपी सीट पर भाजपा का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है। बसपा की चुप्पी भी समीकरण की ही अहम कड़ी मानी जा रही है। इसी तरह अगर बात अमेठी की करें तो यहां से अभी तक सिर्फ भाजपा ने ही स्मृति जुबिन बिन ईरानी को मैदान में उतारा है। वो साल 2014-19 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। पहले में हार और बाद में दूसरे में भी हासिल की और राहुल को हराया भी था। 2024 के सियासी रण के लिए स्मृति के नाम की पार्टी ने पहले ही सूची में घोषणा कर दी थी। अमेठी की सीट सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस यहां पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। स्थानीय कांग्रेसी यहां से राहुल गांधी के चुनाव लड़ाने की मांग रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो अभी निर्णय नहीं ले सका है। वैसे यहाँ कई नाम चर्चा में हैं। सभी की नजर गांधी परिवार पर टिकी है। बसपा भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, हालांकि नेताओं के नाम को लेकर अभी खामोशी ही है। इस सबके बीच यूपी की सबसे चर्चित सीट बन चुके कैसरगंज पर सभी की निगाह है कि वहां से बृजभूषण सिंह का चुनावी वोट किस करवट बैठेगा। यही वजह है कि सपा समेत किसी भी दल ने वहां से अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीति के रण में रोमांचकारी मुकाबले की पूरी तैयारी है, लेकिन चर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। रसलल विवाद के बाद करीब साल भर से चर्चा में रही कैसरगंज लोकसभा सीट राजनीतिक कारणों से भी सुर्खियों में है। तमाम कयास, राजनीतिक कलाबाजी और समीकरण के बाद भी भाजपा ने उम्मीद के अनुसार पत्ता नहीं खोला। सपा और बसपा भी मौन का रहस्य बनाए हुए हैं। सभी दल एक दूसरे की चाल को गंभीरता से। साल 2014-19 में बृजभूषण सिंह भाजपा से सांसद चुने गए। कैसरगंज लोकसभा सीट से अभी जिले के ही 2 विधायकों की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा है। भाजपा पैनल ने शीर्ष नेतृत्व को उनका नाम भी भेजा है। एक तरफ सिटिंग सांसद बृजभूषण तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ तरफगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे की दिल्ली में बुलावी बैठक। खैर, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन यहां का मुकाबला रोमांचित करने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर आज जब दिल्ली में भाजपा का केंद्रीय कार्य समिति की मीटिंग हो रही है, टिकटों के बंटवारे का फैसला हो रहा है, तो वही उत्तर प्रदेश में तरह तरह की खबरें, सियासी खबरें उछल कूद कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज देर रात तक या कल तक भाजपा अपनी तीसरी लिस्ट जारी करती है कि नहीं। उसमें बृजभूषण सिंह का नाम, मेनका गांधी का नाम होता है कि नहीं, वरुण गांधी का नाम होता है कि नहीं, या अभी सट्टेबाजों की चांदी ही रहेगी। धन्यवाद।